विक्रमादित्य जी ने उज्जैन बसाया था, पांडवों ने केदारनाथ धाम बनाया और कटनी जिले और आसपास के लोग, इस विजय राघवगढ़ के लोग हरि और हर दोनों का तीर्थ बनाने जा रहे हैं। जितने भी धाम हैं, जितने भी तीर्थ हैं, ये सब मनुष्यों के द्वारा ही बनाए गए हैं। पर आज वही परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं देख, मन ने, अंतरात्मा ने एक आस्था का समंदर उमड़ने लगा है। से घर, परिवार, व्यापार सब छोड़कर और श्रम दान करते हुए किस प्रकार से पूरे क्षेत्र के निर्माण में लग गए हैं, इसके स्थापना के कदम बढ़ा दिए। और इसी परिपेक्ष में जब ये विचार आया था कि शुरुआत कैसी हो, कहां से हो, क्या हो, वो सारी चीजें तो हुई, वो भी विस्तार की बातें हैं, लेकिन साथ में एक और मन में विचार आया कि एक तरफ पुण्य क्षेत्र तीर्थ धाम की स्थापना की ओर कदम बढ़ा चुका विजय राघवगढ़ नगर सहित संपूर्ण कटनी जिला, बल्कि अब तो मैहर, पन्ना, उमरिया सब तरफ से लोग आना चालू हो गए, ये सब सहयोग करना चालू। तो दूसरी तरफ फिर मन में ये विचार आया कि आजादी के बाद से लेकर कभी विजय राघवगढ़ क्षेत्र में कोई मेला नहीं भरा, छोटे छोटे ग्रामीण स्तर में तो भरते होंगे, वो गांव लेवल के थे, छोटे थे। राजा सरजू प्रसाद के लिए उनके भारत की स्वतंत्रता के प्रति श्रद्धांजलि के लिए, जो उन्होंने देश के लिए, देश को स्वतंत्र कराने के लिए लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की थी, उनकी गाथा और उनके सम्मान को श्रद्धा सम्मान अर्पित करने के लिए तो हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ आग्रह किया मिलकर कि राजा सरजू प्रसाद जी का नाम पर एक मेले का आयोजन किया जाए, तो वो भी नगर स्तरीय हो गया, छोटा था, फिर भी मन नहीं भरा। तो जब ये एक विश्व पटल में छाने जा रहे विजय राघवगढ़ जिला कटनी को, ये तीर्थ की ओर जब कदम बढ़ चुका है, तो मेले की भी शुरुआत फिर बृहद लेवल पे हो, और आज इसकी ही शुरुआत होने जा रही है। इस शुरुआत में अभी तो आपको बड़ा छोटा लग रहा है, जब भी किसी की उत्पत्ति होती है, जन्म होता है, तो छोटे से ही निर्माण प्रारंभ होता है, लेकिन आज इस छोटे स्वरूप में आज जो देख रहे हैं, हफ्ते भर बाद इसका कई गुना स्वरूप होगा, 20 दिन बाद कई गुना स्वरूप होगा, और आप देखेंगे 12 जून जो भूमि पूजन की तारीख है, जिस दिन से कथा प्रारंभ होनी, 12 जून आते आते यहाँ पर एक इंच जगह पैर रखने की नहीं बचने वाली। ऐसे मेले के शुभारंभ पर पधारे हमारे गौरव, विजय राघवगढ़ के लिए गौरव, कटनी के लिए गौरव, हमारे खजराहो क्षेत्र के सांसद, हमारे स्थानीय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सम्माननीय दीपक सूरी टंडन जी, नगर पंचायत विजय राघवगढ़ के अध्यक्ष वसुधा मिश्रा जी, नगर पंचायत कैमूर के अध्यक्ष मनीषा शर्मा जी, बरी नगर के पालिका के अध्यक्ष सम्माननीय पीयूष अग्रवाल जी, जिनके जनपद क्षेत्र में ये कार्यक्रम हो रहा है, अब मेला आयोजन हो रहा है, बहन सुधा कोल जी, यहाँ की सरपंच अल्ताफ भाई की श्रीमती जी,